नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव अणु के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसीन आदि। प्रोटीन सम बहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करता है। इनमें से कुछ पोषकों की कोशिका झिल्ली के होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होते हैं और कुछ एंजाइम के रूप में होते हैं। अब हम कुछ प्रोटीन और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कोलेजिन, इसका काम है अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। प्रतिजीव संक्रमित कर्ता से लड़ता है। ग्राही संवेदी ग्रहण जैसे सूचना, स्वाद आदि में मदद करता है। GLUT4 यानी GLUT4 ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराता है। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगी। कोलेजिन पशुओं में दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन, रूबिस्को पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। प्रोटीन्स की संरचना। प्राथमिक संरचना। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा यानी सी सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती। ये लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। वास्तव में प्रोटीन की लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां ही मिलती है। द्वितीयक संरचना। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी होती है। इन्हें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के रूप में जाना जाता है। ये स्थिर तय पैटर्न एक प्रोटीन का द्वितीयक संरचना बनाते हैं। तृतीयक संरचना। प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन का तृतीयक संरचना कहते हैं। जैविक क्रियाकलापों में इनके आवश्यकता होती है। चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उपापकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के वृहत अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह, जैसे कपास के रेशे हो, विभिन्न प्रकार एकल सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणार्थ, सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज एक सम बहुलक है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। पादप कोशिका कागज और रुई की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। सेलुलोज का एक परिवर्तित रूप स्टार्च यानी मंड सेलुलोज से भिन्न है, लेकिन ये पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं।
आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है पॉलीसैकेराइड का, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड्स के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव उत्तक या कोशिका का वास्तविक वृहत आणविक अंश बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड तीन भिन्न प्रकार के रासायनिक घटकों से बना होता है, विषम चक्रीय यौगिक, मोनोसैकेराइड और फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट। न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन सार होते हैं, जैसे एडिनिन ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है, तथा यूरेसिल साइटोसिन थायमिन प्रतिस्थापित पिरिमिडीन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होती है या डीऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, यानी डीएनए, और जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यानी आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में तीन भिन्न प्रकार के रासायनिक घटक होते हैं, पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसैकेराइड व तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। इस वीडियो में हमने सीखा प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, जीव का उपापचयी आधार, बंधों की प्रकृति। धन्यवाद।